चंडी मधु कैट भादी दैत्य दलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथनी या रक्त बीजासनी शक्ति शुंभा निशुंभा दैत्य दलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नव कोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ओम श्री श्री चंडिके देवी भक्तानं मंगलं कुरु। महामाया सनातनी शक्ति रूपा गुणमयी, उनके मुखमंडल में सारे जगत का प्रकाश आलोकित हो रहा है। देवी नारायणी है, पुनः ब्रह्मा शक्ति रूपा ब्रह्मानी है। कभी माँ महेश्वरी के रूप में प्रकट होती है तो कभी शुद्ध कन्या का रूप धारण करती है। यदा कदा महावज्र रूपिणी ओइंद्री उग्रा शिवधूति नृमुंडा मालिनी चामुंडा माँ पुनः तमोमयी नियति है। सर्व प्रकाशमान महाशक्ति का परम प्रकृति का स्वरूप माँ के आगमन पर समस्त लोक आनंद मग्न हो उठे हैं। माँ दुर्गा जो आदि शक्ति और सृष्टि की संरक्षिका है, सनातन धर्म में 9 रूपों में पूजी जाती है। ये 9 रूप केवल माता के स्वरूप नहीं, बल्कि हर रूप अपने आप में एक संपूर्ण अध्याय है जो मनुष्य के जीवन को प्रेरित और निर्देशित करती है। प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदवातेति, षष्ठं कत्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उपजन्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ दुर्गा के ये 9 रूप जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है जीवन के हर पहलू का प्रतीक है। वे हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करें और जीवन में सच्चाई साहस और शांति का मार्ग अपनाएं। तो आइए माँ के इन सनातनी रूपों का आज हम वर्णन करें। चितलाभाय चंदार्धकृत शेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। पहला रूप है मां शैलपुत्री का जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। ये रूप हमारे भीतर की भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और संकल्प से करना चाहिए। दधाना कर पद्मभ्यम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यानुत्तमा। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का
जो तप और संयम की देवी है। उनका ये रूप हमें त्याग और साधना की शिक्षा देता है। ये संदेश देता है कि मनुष्य के अंदर अगर सच्ची साधना समर्पण का भाव हो तो वो जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पिंडज प्रभवारूढ़ा चंद्र को पास्त्र कैर युता प्रसादं तनुतां मह्यं चंद्र घंटे तिविश्रुता आपदुद्धारिणी त्वं हि अद्या शक्ति शुभा परा अनिवादी सिद्धिदात्री च चंद्र घंटे प्रणमाम्यहम् नाना रूप धारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्र घंटे प्रणमाम्यहम्। माँ चंद्र घंटा देवी का तीसरा रूप है जो साहस और बल का प्रतीक है। ये रूप हमें डर के खिलाफ खड़े होने और न्याय की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। शुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यं कूष्मांडा शुभदास्तु मे दुर्गति नाशिनी त्वं हि दारिद्र विनाशिनी जयदा धनदा कुष्मंडे प्रणमाम्यहम् जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधर रूपिणी चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् त्रैलोक्य सुंदरी त्वं हि दुख शोक निवारिणी परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा, जिन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। वे जीवन की उत्पत्ति और उसका पालन पोषण करती है। उनके इस रूप से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना ये अमूल्य जीवन रचनात्मकता और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करदवया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी सुधार्मिकोपकारिणी श्रीन्द्र वैरय घातिनी शुभांशु पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीं तमन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीं सहस्रसूर्यराजिकं धनञ्जयोग्रकारिकम् इन्द्राणी भैरवी चैवाशितंगी च संहारिणी सर्वदा पातु मंग देवी चन्यानाशु हि दिक्षु वै। माँ स्कंद माता माँ का पांचवा रूप है जो माँ के अपूर्व अटूट मातृत्व को दर्शाता है। उनके इस स्वरूप में हमें ममता दया और प्रेम को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। माँ के इस स्वरूप की आराधना हमें संतोष और शांति की घोर अनुभूति प्रदान करती है।
चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल बरवाहना कात्यायनी चाशुभदा देवी दानव घातिनी कात्यायनी मुख पातु कांकां स्वाहा स्वरूपिनी ललाटं विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयं पातु जया च भगवालिनी कंकार हासिनीं कां कां धनदां धनमानसं कां बीज जपकारिणीं कां बीज तपमानसं का छठा रूप जिन्हें हम माँ कात्यायनी के नाम से जानते हैं, शक्ति और युद्ध की देवी है। उनका ये रूप उन सभी दुष्ट शक्तियों का विनाश करता आया है जो जीवन में असत्य और अन्याय को प्रश्रय देता है। माँ कात्यायनी हमें अपने जीवन में अधर्म के खिलाफ खड़े होने और लड़ने की प्रेरणा देती है। वेनीज पाकर्ण पुराणना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यंग शरीरिणी वाम पादुल्लसुल्लालोता कंटक भूषणा वर्धना मूर्धजा कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी कराल बदनां घोरां मुक्त केशिं चतुर्भुजां कालरात्रिं करालिं च विद्युतमाला विभूषितं दिव्य लोह वज्र खड्ग वामादूर्धकरम्भुजम् अभयं वरदां चैव दक्षिणोर्धाधपानिकं महामेघ प्रभं श्यामं तथा च गर्दभारूढम् घोरदंष्ट्रंकरालस्यं तीनोन्नतो पयोधरं सुख प्रसन्न वदनां स्मेरानन सरोरुहं एवं संचिन्तयेत् काले सर्वकाम समृद्धिदं ह्रिंकालरात्रि श्रृंकरालि च क्लिंकल्याणि कलावती कालो माता कली दर्पघनी कपदीं शक्ति पन्निता काम बीज जपानन्दा काम बीज स्वरूपिनी कुमदघिनी कुलिनार्ती नाशिनी कुलकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मंत्रवर्णेन कालकंटक घातिनी काल रात्रि देवी का सातवां रूप जो मनुष्य के अज्ञानता भय और मृत्यु के अंधकार को नष्ट करती है। उनके इस रूप से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में हमें अज्ञानता और अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन्हें परास्त कर ऊपर उठने की आवश्यकता है। माँ काल रात्रि हमें अपने भीतर के भय को समाप्त करने की शक्ति देती है।
श्रीति वृषि समारूढ़ा श्वेतंबरधरा शुचि महागौरी शुभं ददन महादेव प्रमोददा। ओम नमो भगवती महागौरी वृषारूढ़े श्री ह्रीं क्लीं हुं फट स्वाहा। सर्वसंकटहंत्री त्वं धनसैसर्ज प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरीं प्रणमाम्यहम्। सुख शांति दात्रीं धनधन्य प्रदायिनी दमरूबादिन प्रियं महागौरीं प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगला त्वं हि तापत्र विनाशिनी प्रणमाम्यहं वरदा चैतन्यमयी महागौरीं प्रणमाम्यहं। का आठवां रूप है माँ महागौरी का, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। वे हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष तभी प्राप्त होती है जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाज्ञैरासुरैरामरैरपि शिव्यमाना सदा भुवा सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। कञ्जनाभां शंखचक्र गदाधारं मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पटाम्बर परिधानां तनालंकार भूषितां नलिनास्थिता नलिनाक्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परात्मना परमशक्ति परमभक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रिता विश्वार्चिता विश्वतीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री रिद्धिदात्री नमोस्तुते। माँ के नवे रूप को हम सिद्धिदात्री के रूप में जानते हैं। वे हमें ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ये रूप हमें ये प्रेरणा देता है कि सच्चा ज्ञान और आत्मबोध ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की आत्मिक शुद्धि ही सही मायने में उसकी सिद्धि है। अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैवा भयार्ता शरणं गता नते संजायत किंचिद् अशुभं रण संकटे आपदग्ना चापश्यन्ति शोक दुख भयंकरी यस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां ऋद्धि प्रजायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशी
रक्षसी तान्न संशयः प्रेत संस्थातु चामुंडा पाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरिरासना नारसिंही महावीर्या शिवदूति महाबला माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना। माँ के इन नौ रूपों में हमारा संपूर्ण जीवन निहित है। माँ दुर्गा हमें संपूर्ण जीवन का सार समझाती है, जीवन जीना सिखलाती है। ये नौ रूप केवल माता के स्वरूप ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू के प्रतीक है, जो हमें हर परिस्थिति में सही राह पर चलने की ओर अग्रसित करती है। माँ दुर्गा के सनातनी रूप हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना सीखें और जीवन के हर चुनौतियों का सामना साहस, धैर्य और सत्य के साथ करें, ताकि माँ की कृपा से हम कभी वंचित ना हो। जय माता दी। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्त हरि प्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता ननाभरण सौभाग्या ननारत्नो प्रशोभितः श्रेष्ठैश्च मुक्तिकैः सर्वा दिव्यहार पलम्भिवी इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागै सुशोभनै दृश्यन्ति रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हालं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तयूधं त्रिशूलं च साङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तनाम भयाय च हारयन्तयुधानीत्यं देवानं च हिताय वै। नमस्तेऽस्ति महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनि त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनि। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा ह्रीं दुर्गायै देव्यै नमः। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा ह्रीं दुर्गायै देव्यै नमः। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा ह्रीं दुर्गायै देव्यै नमः।